एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न सूप, जो सर्दियों में सबको बहुत ही पसंद आएगा। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है जो सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए बनाते हैं कॉर्न सूप। सो कॉर्न सूप बनाने के लिए मैंने हाफ कटोरी कॉर्न को पैन डाल के इसमें ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। इसका एक फाइनली पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम पैन में डालेंगे बटर। बटर को हम मेल्ट होने देते हैं अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक। इन दोनों को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, नहीं तो जब तक कच्चापन दूर हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सारी सब्जियां, स्प्रिंग अनियन, कैरेट, बीन्स एंड हाफ कप ऑफ कॉर्न्स। और अब हम इन वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक इनका एक क्रंचीपन है वो दूर ना हो जाए। फ्राई तो हम इसमें डालेंगे 2.5 ग्लास पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से चला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा टेबलस्पून नमक और इनको अच्छे से मिला लेंगे। कॉर्न का जो हमने पेस्ट रेडी करके रखा था अब हम वो ऐड करेंगे इसमें। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो साथ ही साथ अब मैं इसमें 1 बड़ा टेबलस्पून शुगर डालूंगी। अब हम इसको ढक कर 15 मिनट के लिए बॉइल कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। सारी सब्जियां बॉइल हो गई हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ये ऊपर जितनी परत बनी है हम इसको निकाल लेते हैं। ये कॉर्न्स के जो छिलके होते हैं ये उनकी परत हो जाती है, तो अब हम इनको अलग कर लेते हैं। अब मैंने 1 बड़ा टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर लिया है और उसमें पानी डाल के उसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। अब हम इस पेस्ट को अपनी सूप में ऐड करेंगे, जिससे हमारी सूप की थिकनेस काफ़ी अच्छी हो जाती है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में दिखता है। अब मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून विनेगर। आप चाहें तो इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें लास्ट में ऊपर से डालेंगे स्प्रिंग अनियन। तो हमारा सूप जो है वो है रेडी। तो चलिए चलते हैं, हम इसको सर्व करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ये घर में सबको ज़रूर पसंद आएगी। एवरीवन, आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको मेरी रेसिपी की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। थैंक यू।